मेरी कज़न सानिया को लेनी थी ब्लेज़र, तो उसे दिलाने के लिए मैं, मेरी खाला और सानिया हम तीनों ही गए गोरखपुर में जो सबसे अच्छी मार्केट वुलन की लगती है टाउन हॉल में, तो हम वही लेने गए थे। सो कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो हम जा रहे हैं टाउन हॉल और रास्ते में पड़े बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स की ये ठेले लगे हुए थे, मुझे तो देख के मन कर गया। तो बस हम पहुंचने वाले हैं टाउन हॉल और अब हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ इंटर होते ही बहुत ही अच्छे अच्छे वुलन कलेक्शन आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी है और ये गोरखपुर में सबसे अच्छी मार्केट लगती है वुलन की। यहाँ पर इंडियन है और एक साइड में लगती है तिब्बती और अंदर एग्जीबिशन लगी थी, आप आगे वीडियो में बने रहो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे वुलन लेगी थे और वो वुलन लोअर्स लेगी कुर्ती स्वेटर यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मेरी खाला और सानिया और ये देख सकते हो आप ये स्वेटर थी, हर एक चीज़ प्राइस सबके ऊपर लिखे हुए थे इस तरह से वहाँ रखी होती हैं और सामने प्राइस लिखे होते हैं। और ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, ये लोअर थे वुलन, बहुत ही कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाली जैकेट नहीं थी, ये सिर्फ ट्रैक सूट बोलते हैं मे बी। सो ये सानिया को अच्छी लग रही थी कलर, मुझे भी बहुत इसका अच्छा लगा था, सानिया ने पहन के इसे ट्राई किया लेकिन इनको फिर कुछ खास पसंद नहीं आई, किसी वजह से मूड चेंज हो गया। और फिर हमने बहुत ढूँढा, देखो आप वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छी अच्छी स्वेटर थी, हुडीज़ थी, बहुत ज़्यादा हर कलर में अवेलेबल थी, बहुत ही अच्छे प्राइस में थी। ये आप देख सकते हो यहाँ छोटे बच्चों के, लड़कों के, जेंट्स लेडीज़ हर किसी के लिए अवेलेबल है, स्वेटर्स लोअर इनर सब कुछ एक जगह आपको मिलेगा, छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ ब्लैंकेट भी मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे थे, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए कुर्ती और प्लाजो का ये सेट था, आई थिंक 600 का था या फिर 700 का मे बी, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स थे इसमें भी। और खाला मेरी स्वेटर नाप रही थी पहन के, ये शायद 600 या 700 की थी, और ये वाली स्वेटर सानिया को पसंद आई थी, ये 1100 की थी, और ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी स्वेटर। और फिर ये थे नाइट सूट, बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे, इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। यहाँ पे जैकेट्स थी लेडीज़ जेंट्स हाफ स्लीव एंड फुल स्लीव में, बहुत ही अच्छे प्राइस में भी थी। और ये देखिए हम लोग सानिया को पसंद करा रहे थे, इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और ये हाफ जैकेट थी, ये जेंट्स वुलन कलेक्शन था, ये वाली ब्लेज़र लड़कियों के लिए बहुत अच्छी लग रही थी मुझे भी पर्सनली, ये कलर बहुत पसंद आया था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया था। और ये मैं और ये देखो बाहर हम निकले तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेलवेट की ये ब्लेज़र्स लगी हुई थी, फिर ये स्वेटर थी इसका भी कलर काफ़ी अच्छा था। फिर हम उस शॉप से निकले और आ गए, यहाँ बहुत ज़्यादा ये शॉप लगी होती है इस, और फिर ये सेल में शायद ये कुछ लगा हुआ था स्वेटर। और ये जैकेट थी, ये मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, ये वाला नाइट सूट मुझे बहुत पसंद आया था लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, अच्छा लग रहा था मुझे लेकिन। ये देखिए ये छोटे बच्चों के लिए था और यहाँ पे इनर लोअर भी था हर किसी के लिए, छोटे बच्चों का, बड़ों का, सभी के लिए अवेलेबल था, बहुत ही अच्छी शॉप है। ये सानिया यहाँ पर ब्लेज़र ट्राई कर रही थी पहन के, बहुत सारी ब्लेज़र थी, बहुत ही अच्छी अच्छी स्वेटर्स थी, बेचारी कंफ्यूज थी। और यहाँ पे मैंने भी पहन के ट्राई किया, एक ब्लेज़र थी शॉर्ट थी ये भी मैंने बस। और उसके बाद हम इंटर हुए, यहाँ पे कश्मीरी मार्केट लगी थी, नुमाइश टाइप की एग्जीबिशन थी ये, और हम अंदर गए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। और आप देख सकते हो यहाँ पर कारपेट्स मिल रही थी बहुत ही अच्छी, मुझे कुछ पसंद भी आ गई थी। और ये 1500 से स्टार्टिंग थी और 3500 3000 इस तरह से थी, और फुट मैट्स भी थे यहाँ पे, और ये सेल टाइप की यहाँ पे कुछ थी,
आप देखो 200-250 इसी टाइप से सभी सेल वाली ये सब चीज़ें इसमें थी, स्वेटर्स और यहाँ पे थी ब्लेज़र, बहुत ही यहाँ पे और भी ज़्यादा सस्ता था। और यहाँ पर बार्गेनिंग भी अच्छी खासी होती है, आप जब भी जाओ तो बार्गेनिंग करा लो, काफ़ी अच्छे प्राइस में हर चीज़ आपको मिल जाती है। कश्मीरी मार्केट थी, एग्जीबिशन थी ये अंदर, ये देखिए आप 150 में सेल लगी हुई थी। और ये टॉप था और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ थी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस थी। ये देखिए ब्लेज़र कितनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़, इतने अच्छे अच्छे कलर्स रहते हैं, समझ में नहीं आता कौन सी लूँ। और सानिया को ये वाली कुछ सही लग रही थी, बेचारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, ये वाली लूँ ये वाली लूँ। सो यहाँ पे इनको ये भी नहीं पसंद आया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और यहाँ 200 में सेल लगी हुई थी, आप देखो ये 150 में था। घर वर में पहनने के लिए बेस्ट है जो सेल की चीज़ें हैं, नाइट में आप पहन लो, यू नो रात उतने कभी मन करता है कि कुछ ढीला ढाला सा कपड़ा पहन के सोने का रिलैक्सिंग, तो आप ले लो ये ढीला ढाला सा पहनूँ, मैं तो इसी में से ले लेती हूँ एज अ नाइट सूट बना के पहनती हूँ घर पर। और फिर ये कश्मीरी शॉप थी, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से सूट थे, शॉल थी, ये लोग भी ब्लैंकेट में बेच रहे थे। और यहाँ पे कश्मीरी पर्स थे, हैंड पर्स, ये देखो ये सब हैंडमेड मुझे लग रहे थे इस पर। और ये वाली कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई थी, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भी सेल में कुछ ये नाइट सूट लगे थे, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में थे, आपको जब भी लेना हो तो यहाँ टाउन हॉल चले आओ। इंडियन मार्केट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं तिब्बती मार्केट में नहीं जा पाई थी, कभी जाऊँगी तो नेक्स्ट टाइम उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाला येलो वाला सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ये सब कश्मीरी सूट थे वुलन। उसके बाद हम आगे गए और ये वाली ब्लेज़र ना फिश टाइप की थी, जैसे फिश के ऊपर का होता है ना वो स्किन, उसकी उस टाइप की थी। और तब जाके बड़ी ही मेहनत मशक्क़त के बाद सानिया को ये वाली ब्लेज़र फाइनली पसंद आ गई और हमने इसे ले लिया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, शाम हो चुकी थी, रात हो गई थी, घर आना तो बहुत जल्दी थी, हम इस शॉप पर नहीं रुके। ये सब जितनी भी कश्मीरी शॉप्स लगी हुई थी वहाँ पर हम नहीं रुक पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी, हमें घर भी आना था। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उन लोगों के शॉप पे थी, या नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर बच्चों के छोटी छोटी सी स्लीपर्स थी, बहुत अच्छी थी, 250 की थी आई थिंक, बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे, छोटे बच्चों के समान बहुत ही क्यूट लगता है ना। सो यहाँ पर बाहर निकले हम तो यहाँ पर बैलून मिल रहा था, उसके बाद हम घर को चल दिए, बाहर निकले। और ये हमारे गांधी जी, हमारा प्यारा गोरखपुर। सो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।